एशिया कप में श्रीलंका से हारने के बाद पाकिस्तान को हुआ नुकसान। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर, पाकिस्तान तीसरे स्थान पे। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम को एशिया कप में मैच जीतने पर फायदा हुआ है और पाकिस्तान को भारी नुकसान। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से हारने के बाद नंबर 3 पर पहुंच गई है और भारतीय टीम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया है जिसके पास 118 रेटिंग अंक है, वहीं भारत के पास अब 116 रेटिंग अंक है और पाकिस्तान के पास 115 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम 104 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर है। इसके बाद 5वें स्थान पर न्यूजीलैंड, 6ठे स्थान पर साउथ अफ्रीका, 7वें स्थान पर श्रीलंका और 8वें स्थान पर बांग्लादेश। भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग टेस्ट में नंबर 1 और टी20 में नंबर 1, वनडे में नंबर 2 पर है। टेस्ट में केन विलियमसन, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा गेंदबाज और ऑलराउंडर में नंबर 1 पे है। टी20 में नंबर 1 सूर्य कुमार यादव बल्लेबाज, राशिद खान नंबर 1 गेंदबाज और बांग्लादेश के साकिब अल हसन ऑलराउंडर में नंबर 1 पर है। वनडे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड और बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन नंबर 1 पर है। अगर टीम इंडिया एशिया कप जीतकर ऑस्ट्रेलिया को अपने होम सीरीज में 3 मैच की सीरीज में तीनों में हरा देती है तो भारत नंबर 1 ओडीआई टीम बन जाएगी। क्या लगता है आपको, वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।